सब्सक्राइब करें टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, अपडेट देने वाला हूं एक खास सिग्नल्स के बारे में। कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जिसके अंदर आप एंट्रीज लेकर अल्ट कॉइन के अंदर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और आपके जो होल्डिंग पीरियड होगा कम से कम भी 15 डेज से लेकर 3 मंथ के टाइम का है, जिसके अंदर हमारा ऑलमोस्ट टारगेट 2x के आसपास तक रहने वाला है। और ये काफ़ी मेजर कॉइन्स है, ऐसा भी नहीं। और इस कॉइन्स को मैंने जैम सीट के थ्रू कल भी शेयर किया था, तो अब काफ़ी लोग हमारे इसके अंदर से एंट्रीज ले चुके हैं जिन्होंने इसके अंदर पोजिशन सेट कर रखी थी। तो मार्केट को देखकर मैंने आपको कल परसों भी वीडियो बनाई थी बिटकॉइन की। देखिए कल की जो मैंने बिटकॉइन की शॉर्ट की वीडियो बनाई थी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये शॉर्ट में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था, इथेरियम में भी करीब करीब 370 के आसपास तक का बताया हुआ था और बिटकॉइन का भी करीबन 9900 तक का बताया था। दोनों हमारे ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गए। बिटकॉइन 9900 तक गया है, 9901 तक, और इथेरियम गया है हमारा 372 तक। तो हमारे दोनों टारगेट यहाँ पे हिट हो गए हैं और हमने बहुत सॉलिड बम्पर प्रॉफिट इसके अंदर प्रॉफिट अर्न किया। 5x लेवरेज मैं इसके अंदर यूज करके बैठा था इथेरियम की, और इसने कम से कम भी मुझे 123% का प्रॉफिट दिया इथेरियम ने। और BTC की बात करते हैं तो 60-70% इसने भी प्रॉफिट दिया। ऑलमोस्ट हमारा 250% के आसपास का हमारा प्रॉफिट इसके अंदर से निकला है कल। तो सॉरी 250 कह गया मैं, करीबन 215-15 के आसपास हमारा इसके अंदर प्रॉफिट निकला है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये अपडेट देना चाहता हूँ, 6 से 7 कॉइन्स हैं। और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो इथेरियम की अगर देखी होगी, आई थिंक इसमें अभी शो नहीं कर रहा है, तो एक बार इसे दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इथेरियम की मेरी वीडियो दिखाई दे रही होगी और साथ साथ मैंने BTC की भी आपको बताया था कि BTC की भी अपडेट देना चाहता हूँ मैं। जिस वक्त मैंने आपको इथेरियम की वीडियो बनाई थी उस वक्त करीब करीब प्राइस था हमारा $385 के आसपास का, और जबकि मैंने रेंज आपको दी थी 385 के आसपास से लेकर $377 तक की दी थी, और हमारा प्राइस 375 को हिट भी किया, यानी कि हमारे ऑलमोस्ट बाय बिड्स फिल हो गए। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ 3 से 4 पार्ट के अंदर एंट्रीज लिया करें, तो मेरा जो ओवरऑल जो अगर किसी ने भी इसके अंदर एंट्रीज ली होगी तो उसका ओवरऑल जो बाइंग रेंज बनी है वो बनी होगी कम से कम 378 के आसपास से। और अगर 3x से 5x लेवरेज बताया गया था तो अभी ऑलमोस्ट बहुत बम्पर प्रॉफिट में है, 396 के आसपास ही प्राइस हिट हो चुका है, 398 तक ये प्राइस इसका हिट हो चुका है, आपको चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए क्या अपडेट लेकर आया हूँ, अभी देखिए हमारा जो इथर का नेक्स्ट टारगेट है 400 का है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 410 के आसपास का। बाकी मैंने सिग्नल दिया हुआ है अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी, आपको मैं एक बार थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, हाँ अभी मैं आपको ये सिग्नल दिखा देता हूँ, ये रहा, ये देखिए। तो मैंने 377 से 386 का था, उस वक्त 384 का प्राइस चल रहा था, और देखिए 372 हमारा स्टॉप लॉस था, और ये देखिए 388, 392, 396 हमारे तीन टारगेट्स हिट भी हो चुके हैं इस सिग्नल के थ्रू। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप प्रीमियम ग्रुप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको फ्री आपको लेवरेज ट्रेडिंग यानी फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल, जैसे अभी आज के फ्यूचर ट्रेडिंग का सिग्नल दिया गया है, इसमें भी हमने बम्पर प्रॉफिट अर्न किया है और अभी तक। और साथ के साथ हमने अगर हम बात करते हैं लिवरेज ट्रेडिंग, मार्जिन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, साथ के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्प ट्रेडिंग, चाहे इंस्टेंट प्रॉफिट बेस्ड ट्रेडिंग और इवेंट और न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग, स्ट्रॉन्ग TA बेस्ड ट्रेडिंग आपको, और साथ में साथ जो मेरा मेजर फोकस रहता है वो है जेम कॉइन सिग्नल्स पर। मंथली कम से कम 5 से 10 कॉइन सिग्नल दिए जाते हैं जिनका प्रॉफिट टारगेट 2x से लेकर 10x तक का होता है। तो और जिसका रिजल्ट, जिसका एग्जाम्पल आप SRK, एक्रो, ओशियन, नेस्ट और इसी तरह के बहुत सारे सिग्नल, आप जैसे चाहे VRA, सभी तरह के सिग्नल्स आपको हमारे इस ग्रुप के अंदर ऑलरेडी दिए गए हैं, चाहे वो TRB का हो, चाहे KSM का हो। KSM की हमारी बाइंग $7.7 की थी और इसके प्राइस ने कम से कम $58 या $60 को हिट किया है। ऐसे ही हमारी TRB की भी देख लीजिए, करीब ऑलमोस्ट $80 को हिट कर चुका है, $23 या $24 की हमारी बाइंग थी। तो ऐसे बहुत सारे जेम सिग्नल्स आपको हमारे इस ग्रुप के अंदर मिलने वाले हैं, तो देरी ना करें हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 1200 में 1 मंथ के लिए, और अगर आप 3 मंथ के लिए चाहते हैं तो आप 1100 में भी 3 मंथ के लिए जुड़ सकते हैं, स्पोर्ट ग्रुप में चाहे प्रीमियम ग्रुप में। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे सिग्नल्स पर। तो देखिए ये मेरा सिग्नल्स, मैंने अभी 34 मिनट पहले, अभी 2:31 का टाइम है और ये मैंने करीब करीब 2 बजे से पहले यानी कि 1:55 के आसपास मैंने ये सिग्नल दिए थे, जिसके अंदर ZEC का $60 से $70 के बीच बताया था, टोमो का 0.75 से
0.81 का बताया था और लिस्ट का 1.12 से लेके 1.55 की रेंज के अंदर बताया था बाय करना है या एक्युमुलेट करके जाएं, CHR, KMD, XZC, TROE, बस इसके अंदर सिर्फ TROE का ही BTC पेयर के अंदर, बाकी सबका डॉलर में है। BZRX का देखिए बताया गया था 0.7 के आसपास से और इसने कर ऑलमोस्ट 0.74 को हिट भी कर लिया है। हिट मीन्स ये करीबन 5-6% ऑलरेडी प्रॉफिट दे चुका है हमें। तो मैं अब सीट के अंदर लेकर चलता हूं, तो देखिए यहां पर आपको पूरी स्कीट इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। सिग्नल जेम कॉइन के सिग्नल की सीट भी इसी हिसाब से दी जाती है आपको। अब देखिए आप काफ़ी लोगों के पास क्वेरीज रहती है कि कैसे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा। ZEC कॉइन का नाम, एक्सचेंज कौन से एक्सचेंजेस पे लिस्ट है, जैसे हॉटबिट, BX, BKX और बहुत सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट है ये। BZRX आई थिंक पोलोनिक्स पे भी लिस्ट है और बाइनेंस पर BZRX BUSD पेयर के अंदर मिल जाएगा आपको। तो कॉल डेट 3 तारीख की थी पर इसे दोबारा से आप इसके अंदर एंट्रीज ले सकते हैं रेंज के अंदर। तो जी कैश जैसे मान के चलते 66 से 60 से 67 डॉलर तक का था उस वक्त, जिस वक्त इसका प्राइस 12:02 पर लिया गया था तो उस वक्त 66.70 था। अभी मार्केट ड्रॉप हुई है तो आराम से इजिली आपको $60 हिट कर गया होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं ZEC, एक बार देख लेते हैं ZEC था ना ये, हाँ ZEC था। इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए ऑलमोस्ट ये 50 डॉलर को हिट कर चुका है। देखिए 50 डॉलर को हिट कर चुका है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा, जिसने $50 के आसपास लिया होगा उस वक्त चांदी हो गई होगी, तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और बाकी अब एक बार LSK का भी चेक कर लेते हैं, तो हमारी रेंज के अंदर आया नहीं आया तो वो भी एक बार देख लेते हैं। LSK को तो 1.39, ये भी हमारा ऑलमोस्ट रेंज के अंदर आ चुका था तो हम इसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर तो खैर हमारा ये रेंज चलेगी नहीं, अब तो हमारी यही रेंज चलेगी 58 तक की, तो आप इसे ले सकते हैं करीब करीब। करंट प्राइस आज 57 का है, तो ये कल के हिसाब से तैयार की गई थी सीटें, आपको मैं बता देती हूँ तारीख और ये टाइम यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। और जिन लोगों ने देखिए लिस्क का बात कर लेते हैं, 1.12 से 1.55 के आसपास तक का बताया गया था और इसका 1.3 के आसपास तक इसका प्राइस आया। अगर जिसने एक्युमुलेट किया होगा तो ऑलमोस्ट उसका जो बाइंग 1.45 या 1.43 के आसपास उसका ऑलमोस्ट हुई होगी। तो ये सारे कॉइन्स हैं ZEC, TOMO, LSK, CHR, KMD, XZC, TROE और BZRX। अभी हम एक बार TROE को भी चेक कर लेते हैं, TROE कितना गया है। TROE 45 इसका सतोशी का इस वक्त, और ये करीबन 3-4 दिन पहले मैंने अपने फ्री ग्रुप में भी बताया 42 को हिट कर चुका है। मेरी जो फ्री ग्रुप के अंदर जो बाइंग थी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैंने जो फ्री ग्रुप के अंदर बताया था अपना TROE का, एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपको साफ दिया गया है TROE को अगेन 48-40 में लेते जाएं, यहाँ पर देखिएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, मैंने इसके बारे में शायद थोड़ी सी और TROE का मैंने थोड़ा सा और बताया होगा। एक्चुअली मैंने इसके अंदर बाई बिड्स भी बताई थी, जैसे जैसे कि आपको कहाँ गया TROE एरा, हाँ 45 पे बाय करना है, 42 पे बाय करना है, फिर 40 पे बाय करना है, इस हिसाब से रेंज भी बताई थी। तो हमारी 45-42 की बाय हो चुकी है, यानी कि हमारा 43.5 के आसपास हमारा बाइंग हुई है। और अभी देखिए 45 का भी इस वक्त करंट प्राइस चल भी रहा है, तो यानी कि हम अभी भी यहाँ पर भी प्रॉफिट में। तो इसलिए तो एक्युमुलेशन जोन दी गई थी ताकि आप लोग उसको एक्युमुलेट कर पाएँ और प्रॉफिट अर्न कर पाएँ। तो ये था दोस्तों TROE, BZRX, XZC, KMD, CHR, LSK, TOMO, ZEC। तो आप इसे करंट प्राइस पे या इससे नीचे थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करते जाएं, और जैसे मान के चलते हैं किसी भी कोइन का प्राइस अगर मान के चलते हैं, इसका ही देख लेते हैं LSK का, अगर इसका प्राइस इस वक्त करंट में 1.45 या 1.45 है, इस वक्त 1.45 डॉलर है, तो आप इस करंट प्राइस पे एक पार्ट ले लीजिए, उसके बाद 1.4, 1.35, 1.3, इसी हिसाब से अपने चार पार्ट्स में पैसे लगा दे। और अगर मान के चलते हैं भाई कोई मेजर सेल्स की, मैं अगर आप $100 लगाना चाहते हैं तो $25 का CNP पर करंट मार्केट प्राइस पर, उसके बाद फिर 5 सेंट नीचे, फिर उसके बाद फिर मतलब 10 सेंट सॉरी 5 सेंट नीचे नीचे लगाते जाएं, यानी कि 1.4, 1.35, 1.3, इस हिसाब से अपने बिट्स सेट कर दें और उसके बाद आराम से रहिए। अगर आपकी बाइंग एग्जीक्यूट हो जाती है तो प्रॉफिट टारगेट भी आप इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए स्टॉप लॉस आफ्टर बाइंग, अगर आप थोड़ा मिड टर्म होल्डर हैं तो 10% बिलो स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, और होल्डिंग टाइम 7 डेज से 5 मंथ के आसपास है,
कम से कम बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट लेना चाहते हैं इसमें 2x 3x 5x तक लेना चाहते हैं LSK में, और फंड इन्वेस्टमेंट 8% इसमें दिया गया है, और देखिए प्रॉफिट बुकिंग एवरी परसेंटेज अबव फॉर शॉर्ट टर्म, अगर आपका प्राइस मान के चलते 6% अबव चला जाता है तो आप ठीक जो भी प्राइस इस वक्त CMP का होगा 6% अबव, उससे ठीक 6% बिलो पे आप अपना स्टॉप लॉस यूज करेंगे, और ऐसे ही स्टॉप लॉस आफ्टर एवरी 10% बुकिंग तो 5% नीचे करते जाएं, अगर प्राइस 10% पंप हो जाता है तो 5% बिलो स्टॉप लॉस लगाते जाएं और इसी हिसाब से इसे आगे बढ़ाते जाएं। तो ये थी दोस्तों, और साथ साथ आपसे कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो ट्विटर पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री क्रिप्टोकरेंसी के सिग्नल्स दिए जाते रहते हैं। देखिए आज की मेरी अगर बात करते हैं तो मेरी ईथर की ट्रेडिंग का आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि क्या प्रॉफिट मैंने लिया है ईथर की ट्रेडिंग से। तो यही है दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें नहीं करें तो आप इसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसमें काफ़ी सारे सिग्नल्स दिए जाते हैं, जैम कॉइन सिग्नल चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग के सिग्नल, आपको अलग अलग ग्रुप ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, पंप डंप ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, फेक स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर नहीं किए जाते हैं, आपको जो सिग्नल दिया गया उसी का स्क्रीनशॉट शेयर किया जाता है। इतने सिग्नल्स आपको मिलेंगे कि आप इजीली ट्रेड, आप किसी भी फील्ड से हो, यानी कि आप स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हो चाहे फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो खाली, चाहे आप जैम सिग्नल्स पर फोकस करते हो चाहे इवेंट बेस्ड न्यूज़ बेस्ड सिग्नल पर फोकस करते हो, तो आपको हर एक तरह के मिलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप तो सिर्फ मुझे बाइनेंस के सिग्नल दीजिए या फिर मुझे सिर्फ जैम सिग्नल दीजिए या फिर मुझे तो मैं तो सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मैं मार्जिन ट्रेडिंग करता हूँ या फिर मैं इवेंट बेस पे फोकस रखता हूँ, आपको A to Z हर तरह के सिग्नल इस ग्रुप के अंदर दिए जाते हैं। और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्क्रीन पर आपको यहाँ पे एक QR कोड दिखाई दे रहा होगा, इसे ज्वाइन कर लीजिए मेरे टेलीग्राम को, आपको वहाँ पर भी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।